करने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो करने वाले हैं, वो होगा, बट अभी करंट में क्या वो प्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड, कि हमारी ट्रांजेक्शन स्पीड कितनी है, और उसके भी यहाँ पर उस ब्लॉकचेन का एक टोकन होता है जिसको मार्केट में स्टेकिंग के थ्रू या एक नेटवर्क के थ्रू सेल किया जाता है। इसके ज्यादा यूटिलाइजेशन अभी मार्केट में कोई नहीं है। अगर आपने कभी किसी मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपके पास कभी कोई ऐसा आदमी नहीं आया होगा जिसने, या अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्लान देने के लिए, जिसने आपसे ये बोला होगा कि हमारे पास एक ब्लॉकचेन है, हमारा ब्लॉकचेन ले लीजिए और जाइए मार्केट में सेल करिए। अब तक हमने से किसी ने भी अपना ब्लॉकचेन सेल नहीं किया, क्योंकि ब्लॉकचेन बेसिकली B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस का जो एक सेक्टर, वहां पर ट्रेंड करता है, वहां पर ये लाई करता है। यानी कि ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन करने के लिए, ब्लॉकचेन का यूज करने के लिए एक ऐसा सेटअप, ऐसी कंपनी चाहिए जिनको रियल में उस लेवल की कमी फील हो रही हो, या कोई ऐसा उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ना हो कि वो कैसे अपने आप को डेवलप करें, तब जाकर के वो लास्ट में ब्लॉकचेन पर अपने आप को डिप्लॉय करते हैं। तो ये कभी भी पीयर टू पीयर या कि मैन टू मैन सेलिंग नहीं होती है। ब्लॉकचेन का यूटिलाइजेशन को बता करके उस ब्लॉकचेन के बेस एक टोकन प्रमोट होता है, जो कि एक MLM पर होता है, या तो एक स्टेकिंग पर, या तो एक लाइव हमारे एक डिसेंट्रलाइज टोकन होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल फ्रीडम प्लेटफॉर्म, यानी कि ब्लॉकचेन तो हमारे पास भी है, उसका यूटिलाइजेशन हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा जो उसका यूज केस होने वाला है कि वो एक हमारे पास एक लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है थ्रू Web3। यानी कि हम ब्लॉकचेन का यूज तो करेंगे, हम लोग भी उस मार्केट को लेकर आगे चल रहे हैं, लेकिन उसको हम लाइव आपको दिखाएंगे और उस पर कैसे हमने रियल में अपने आप को एस्टेब्लिश किया हुआ है अपने Web3 डोमेन के हिसाब से। तो चूंकि आज ये सेशन पूरा पूरा टेक्निकली पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, Web3 के बारे में बात करेंगे, TLD के बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है कुछ पॉइंट ऐसे भी आप लोग नोट करिएगा जो आपको किसी बता रहे किसी बताने के लिए, किसी को सामने शेयर करने के लिए आपके साथ कुछ ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोसिस्टम की। मैं कल भी ये बात कर रहा था कि इकोसिस्टम ऐसा नहीं, वो इकोसिस्टम होने पर ही बहुत बड़ा कोई रोल प्ले करे आपका वो कंपनी है जहां पर आप इन्वॉल्व हैं। मैं कल एग्जांपल दे रहा था कल के मीटिंग में गूगल प्लस का। गूगल का भी अपना एक इकोसिस्टम है। गूगल के इकोसिस्टम में हम लोग जब कल बात कर रहे थे, तो वहां पर एक ऑप्शन निकल के आया था कि फेसबुक से पहले और फेसबुक के साथ हम लोग एक पैरेलल कंपनी चल रही थी, गूगल प्लस, जो सोशल नेटवर्क साइट थी, सेम फेसबुक को जैसे उसने पूरा अपने आप को कॉपी किया, पूरा डेटा वैसे ही कवर बैकग्राउंड लेकर के, पूरा सिंक्रोनाइजेशन, शेयर ऑप्शन, सब कुछ वैसे ही था। उसमें कुछ और भी अच्छा था, वो अच्छा क्या था कि आप डायरेक्टली अगर यूट्यूब से वीडियो अगर अपलोड करते हैं या शेयर करते हैं, तो डायरेक्टली आपके गूगल प्लस की प्रोफाइल में वो शेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपने उस ऑप्शन को इनबिल्ट कर अलाउ कर रखा है। तो सेकेंड आता है वहां से ऑप्शन कि अगर हम उसपे कुछ भी, हम गूगल ड्राइव से या ब्लॉगिंग से हम कुछ भी हम लिखते हैं, कुछ भी हम शेयर करते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके सारे सिंक्रोनाइजेशन के मेथड के थ्रू आपका कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी गूगल प्लस 2019 में बंद हो गया। इतने सारे अच्छे फीचर होने के बाद भी बंद क्यों हो गया? क्योंकि उसके इकोसिस्टम्स में इतनी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम इन सेंस उसकी स्पीड की इशू उसके पास था, उसके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो क्या अलग दे रहा है। जब आप वही करते आएंगे जो अब तक आप करते आए, तो वही आपको मिलेगा जो अब तक आपको मिला है। उसने फेसबुक से हटकर कुछ भी नहीं किया, सेम डिट्टो उसने वही किया। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं मैंगो ट्री इकोसिस्टम की, तो हम लोग मार्केट से हटकर क्या बात करने वाले हैं, मार्केट से डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये मैटर करेगा हमारी ग्रोथ के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मैंगो ब्लॉकचेन का एक, आप देख रहे होंगे, एक नंबर लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर जो हमारा इकोसिस्टम का है वो मैंगो ब्लॉकचेन है। मैंगो ब्लॉकचेन मतलब क्या हुआ? एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसपे हम अपने Web3 और TLD के सारे ट्रांजेक्शन को, सारे अब जो भी इसमें ब्लॉक्स बन रहे हैं, सब कुछ लाइव देख सकते हैं। यानी कि जितने भी मिंटिंग आपने, मिंटिंग इन सेंस हमारे Web3 हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप जब हमारा मैंगो ट्री को ओपन करते हैं, मैंगो ट्री में जब अपना कोई पैकेज 45 का या 90 का या उसके अबव डॉलर का कोई पैकेज बाय करते हैं, तो एक ऑप्शन, आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अपने खुद की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने का। खुद की डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ? आपके पास अपना एक बिजनेस कार्ड है, विजिटिंग कार्ड है, वो फिजिकल कार्ड है, उसको आप पॉकेट में रखते हैं, जब कोई आपसे मिलने आता है आप उसको अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। उस विजिटिंग कार्ड पर क्या होता है? आपका नाम लिखा होता है, आपका मोबाइल नंबर, आपका ऑफिस का एड्रेस, आपके हो सकता है घर का भी एड्रेस हो, या आपका उसमें डिफरेंट कोई फैक्स नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, या अपना कोई व्हाट्सएप नंबर भी अलग से डालते हो। आजकल थोड़ा सा ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है विजिटिंग कार्ड, उसमें QR कोड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल उसमें डालते हैं आप लोग, तब जाकर सामने वाला आपको उसको देख पाता है, लेकिन वो फिजिकली आपने उससे इंटरेक्ट किया अपने आपको। सेम वही चीज हमारे जिसको हम लोग अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च कर दें या उसको डिप्लॉय कर दें, तो वो कहलाएगा डिजिटल विजिटिंग कार्ड, यानी डिजिटल बिजनेस कार्ड या डिजिटल आइडेंटिटी। उसमें क्या होगा? वहां पर क्या होगा कि आपके पूरे कंप्लीट डेटा को सिंक्रोनाइज करके एक शॉर्ट कोड में, यानी कि Web3 के प्लेटफॉर्म के अंतर्गत TLD मेथड के थ्रू हम उसमें डिप्लॉय करेंगे। यानी कि आपने
पूरे नाम आपका क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपका फेसबुक क्या है, आपके पास ईमेल आईडी क्या है, आपका क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन आपको एड्रेस लेना हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर हम वेब थ्री की बात कर रहे हैं तो इसमें ब्लॉकचेन की कनेक्टिविटी आएगी, जिसके बारे में अभी आगे बताने वाला हूँ मैं आपको। इसका मतलब जितनी भी चीजें हमारे पास डेटा होता है जो हम किसी को बताना या शेयर करना चाहते हैं, वो सब कुछ आपने सिंगल प्लेटफॉर्म पर ले लेंगे, और वो एक टीएलडी के फॉर्म में होगा, तो उसके बहुत ज्यादा लेंथी कोई नाम नहीं होगा, उस आपके नाम से कनेक्ट होकर के हमारा वो डोमेन का जो एक्सटेंशन है वो ऐड हो जाएगा, और ये सारी ट्रांजेक्शन आप देख पाएंगे मैंगो ब्लॉकचेन पर जो लाइव चलती हैं। तो अभी इन सब के बारे में लाइव आपको दिखाने वाला हूं मैं, पहले एक बार हम उसे रीड कर लेते हैं। अगला ऑप्शन हमारा वेब थ्री डोमेन, यानी कि मैं जिसकी बात कर रहा हूँ टीएलडी की, टीएलडी मीन्स टॉप लेवल डोमेन। डॉट के बाद जैसे मैं हम लोग पढ़ते हैं google.com, google.in, google.co.in या facebook.com या कई जगह पे अपने .np, .uae, .pk, .us, .aus, .as, तो हम लोग जितने भी अलग अलग कंट्री के जो डोमेन्स जो एक्सटेंशन हैं ये डिनोट करते हैं कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट किस कंट्री के थ्रू डिप्लॉय हुई है, वो सर्वर पर उसको हमने होस्ट किया हुआ है और किस पर्टिकुलर सेगमेंट से बिलोंग करती है। हम लोग बात कर रहे हैं टीएलडी की टॉप लेवल डोमेन, यानी कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन है वो .com, .in, .ai, .io ये सब ना हो करके वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म को डिनोट करेंगे, टोकन को डिनोट करेंगे, या एक वेब थ्री पार्ट, वेब थ्री पोर्शन को डिनोट करेंगे जहां से वो प्रॉपर ब्लॉकचेन से कनेक्टिविटी रहता है। तो ब्लॉकचेन पर डिपेंडेंट, ब्लॉकचेन पर बेस्ड एक ऐसा एक्सटेंशन जो ब्लॉकचेन के साथ साथ क्रिप्टो की कनेक्टिविटी को भी अलाउ करता हो, वो डॉट के बाद लगने पर वो वेब थ्री में आ जाएगा। फिर अगली बात मैं करता हूँ मैंगो टोकन की, यानी MYT, इसको हम सब लोग ने देखा हुआ है और जाना हुआ है, हमारे बहुत दिन से इसको हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, हम लोगों ने काफी लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। अगला हमारा ऑप्शन है मैंगो वॉलेट, जो हम लोग अभी रेफर कर रहे हैं, हम लोग उसको किसी को अकाउंट क्रिएट करवाने पर हमें कुछ MYT फ्री गिफ्ट मिलते हैं और हमारे एक होल्डर क्रिएट होते हैं, ठीक है। फिर हमारा मैंगो स्वैप है और मैंगो ब्राउजर, मैंगो ब्राउजर हमारा अभी अपकमिंग है, उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। तो अब रही बात मैंगो ब्लॉकचेन की, तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ हमारे एक एक करके जितने भी हमारे इको सिस्टम्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा मैंगो स्कैन, ये आप देख सकते हैं मैंगो स्कैन .io, ये हमारा मैंगो का ब्लॉकचेन है, मैंगो स्कैन .io। इस पर जा करके आप अपनी जो भी आपने मिंटिंग किया, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया वो सब लाइव से चेक कर सकते हैं। और रियली बताऊं, हम लोग जिस लेवल पर काम कर रहे हैं और अपनी वेबसाइट को जिस लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात जिस लेवल पर ये डेवलप हुआ है मार्केट में, इसके सामने कोई भी अभी कंप्यूटर नहीं है। इवन हम लोग वेब थ्री में थोड़ा लेट हुए हैं, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग पहले आ गए, बट हमसे भी पहले मार्केट में कुछ कंपनीज, कुछ सिस्टम्स, कुछ टोकन्स हैं, बट उनके पास भी ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो हम लोग मार्केट में लेकर आए हुए हैं। आप एक बार बहुत अच्छे से इसको गो थ्रू करेंगे, इसको समझेंगे, तब आपको रियल में इसको एहसास होगा या फील होगा कि रियल में हमारे पास इस समय कंप्लीट एक वेब थ्री का इको सिस्टम है। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन है, इसको आप चेक कर सकते हैं, और इसको देखने के लिए आप यहाँ पर, मैं इसको वी वॉल पर क्लिक करता हूँ, मैं पहले आपको ट्रांजेक्शन दिखा शो करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ से चेक कर सकते हैं आप, ये आपको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 31,000 ऑलमोस्ट हमारे ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। और ये सारे ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी लोगों ने मिंटिंग आप लोगों ने किया होगा, आपने अपना डोमेन बुक किया होगा, डोमेन को अलॉट किया होगा अपने पर्टिकुलर तो क्रिप्टो के वॉलेट एड्रेस के साथ, वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट है उसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब ये मिंटिंग की ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारी रियल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है। तो जहां पर भी मिंटिंग एड्रेस आपको आएगा वहां पर आपको नीचे उसका नाम मिंट किया हुआ एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये सारी हमारी ट्रांजेक्शन है जो हमारे ब्लॉकचेन पर रन हो रही हैं, जो भी हमारे मैंगो वॉलेट को थ्रू और जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उसके थ्रू हो रही हैं। एक ये ट्रांजेक्शन है जो ब्लॉकचेन पर हमारी हमारे मैंगो ट्री पर जिन लोगों ने जाकर के अपना मिंट किया है, ये देखिए आपने जिस किसी भी यूजर का होगा उन्होंने अपना ये डोमेन बनाया हुआ है, 60.MYT, यानी .MYT हमारा TLD है और 60 नाम से उन्होंने बनाया हुआ है। अब वंस ये एक बार बुक हो चुका है तो अब किसी दूसरे यूजर को ये नहीं मिलेगा, और ये डोमेन यूजर का ये एड्रेस है। तो आप जाकर के आप भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपने जो अपना मिंटिंग किया हुआ है उसका वॉलेट एड्रेस क्या है और आपका डोमेन रियल में क्या है। तो जब भी आपने मिंट किया होगा उस पेज पर जाएंगे आप, वेब थ्री डोमेन का मिंटिंग पेज पर, तो वहां पर ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री क्रिएटेड है, हिस्ट्री वहां पर सेव है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मैंगो स्कैन है, इसके सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैं होम पेज पर आता हूँ और सेम जो अपने ब्लॉक्स नंबर जनरेट हो रहे हैं, आपने देखा होगा वहां पे ब्लॉक नंबर था, राइट हैंड पे सारे ब्लॉक्स की डिटेल्स है।
तो जो एक रियल, जो एक ब्लॉकचेन का जो एक वर्किंग है, आप जो रिकॉर्ड्स का सेविंग जो करते हैं, जो एक लेजर मेंटेन होता है, वो सारा लेजर यहाँ पर मेंटेन है। आप जा करके इसको बाय डिफॉल्ट पूरा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने ब्लॉकचेन की पूरी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये ब्लॉकचेन का नाम अपना है mangoscan.io, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको, जो मैंने बोला था नेक्स्ट अपना मैंगो स्वैप। तो मैंगो स्वैप के बारे में आप देख सकते हैं कि मैंगो स्वैप के बारे में हम लोग यहाँ पर कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये एक ऐसा स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है जो हमारे मैंगो थीम पर बना हुआ, जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें एक इसका भी नाम आता है। ये नॉन टैक्सेबल टोकन्स में अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है तो 0 स्लिपेज का पर आपको ट्रेड करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप MIT पर ट्रेड, आप MIT को स्वैप करते हैं, आप किसी BNB से या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म से, टोकन से जो नॉन टैक्सेबल है और बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं है, तो 0 स्लिपेज पर इसको आप स्वैप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो काम आपने मेटामास्क में, सॉरी पैनकेक में जाकर भी आपने देखा होगा, वहां पर भी स्लिपेज चार्ज आपको पे करना पड़ता है। बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो नॉन टैक्सेबल जो टोकन है, नॉन टैक्सेबल टोकन टैक्स एक एल्गोरिदम्स है जिस पर कुछ टोकन डेवलप हुए हैं, जैसे हमारा ZDX है, हमारा BGVT है, दोनों पे टैक्स एल्गोरिदम अप्लाई किया हुआ है। टैक्स एल्गोरिदम क्या होता है कि जब भी हम, वो डिपेंड करता है कि उसके नेचर पर टोकन में बाय में अपना टैक्स अप्लाई है, सेल में है, दोनों में है। जैसे अपना MIT में ना बाय में टैक्स है ना सेल में टैक्स है, बट ZDX में सेलिंग ऑप्शन में टैक्स है, वो 3% का टैक्स वहां पर है। तो जब भी आपको अगर टैक्सेबल टोकन लेना है, तो जो भी परसेंटेज का टैक्स हमने इसमें ऑथराइज किया हुआ है, उससे 0.1 वैल्यू एक्स्ट्रा या 0.2 वैल्यू एक्स्ट्रा बढ़ा करके आपको स्लिपेज में डालना है और उसको आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा पॉइंट ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज जो नॉन टैक्सेबल टोकन है, जैसे हमारा MIT है, यहाँ पर जाकर के आप इसको रियल में, आप इसको 0 स्लिपेज पर स्वैप कर सकते हैं। तो ये आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको अपना mangoswap.com ओपन करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है, और वॉलेट कनेक्ट करके अपने ट्रस्ट वॉलेट पे जब जब कनेक्ट कर लेंगे, तो जो भी अपने पास जो भी स्वैपिंग करनी होगी वो बिना स्लिपेज के आप कर पाएंगे। ये फैसिलिटी आपको पैनकेक स्वैप भी प्रोवाइड नहीं कर पाता है, बहुत रेयरली आपको ऐसे फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। और जो हमारे पास इकोसिस्टम है, जो हमारा मैंगो स्वैप है, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी है। तो मैं जिस अभी मैंगो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसमें जितने भी चीजें हैं वो सब अपने आप में एक से बढ़कर एक यूनिक हैं। और अगर हम इसको रियल में इसका समझ जाएंगे यूटिलाइजेशन, कि हमारे जिस पेरेंट कंपनी के अंडर में इसको हम इसमें काम प्रमोट कर रहे हैं, वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म इसको हम लेके आगे जाने वाले हैं। शायद इसीलिए अब तक हम लोग जो वेब 3 लेकर आए, वो भी मार्केट में बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल डिफरेंट है। और हम अगर मैंगो स्वैप की बात करें, ये भी बिना स्लिपेज के आपको प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां से आप इसको स्वैप कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना है, अपने यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करेंगे और फिर आपको ऑप्शन खुल जाएगा, जो भी आपको आपके पास एप्लीकेशन है वहां से इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये अपना MIT का पेज है, MMINT.io। यहाँ से भी अगर आपको डायरेक्टली इसको ट्रेड करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, चूंकि हमारे इको सिस्टम में ऑलरेडी इसमें पहले दिखा चुके हैं। अब हम बात करते हैं टोकन की, जो मैंने अभी पीछे साइड दिखाई, हमारे BSE स्कैन पर आकर के हमारे टोकन के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आप इसको होल्डर्स को चेक कर सकते हैं कि हमारे कितने होल्डर यहाँ पर हैं। ऑलमोस्ट 19,000 होल्डर्स हमारे पास, 19,000 होल्डर हमारे पास हैं MMIT में, ये आप देख सकते हैं। और ये BSE स्कैन पर आप जाकर के हमारे MMIT टोकन के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना टोकन का रिकॉर्ड है, और शायद ही आप लोग को मालूम होगा कि ये जो हमारा MMIT जो टोकन है, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर जून में सिंगापुर में बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड विनर टोकन है। यानी कि इसको लास्ट 1 साल पहले इसको बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड मिल चुका है। और इसी सेम टोकन ने अभी इस साल मार्च में एयर ड्रॉप में ऑलमोस्ट 88 टाइम्स का ग्रोथ लिया हुआ है। और ये सब लोग जानते होंगे कि बिल्कुल डिप पर कोई बाय नहीं कर पाता है, और बिल्कुल टॉप पर कोई सेल नहीं कर पाता है। तो ऑन एन एवरेज भी निकालेंगे, तो अगर +5 और -5 का अगर हम उसमें एक्सेम्पशन छोड़ देंगे, तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाई दिया होगा। तो ये वो टोकन है जो ऑलरेडी मार्केट में रह चुका है, बूमिंग कर चुका है, और कॉइन मार्केट कैप में कॉइन जीको के माध्यम से ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टोकन रहा है, और लगातार कई वीक्स तक, लगातार 3 वीक्स तक ये टॉप ट्रेंडिंग टोकन बना था हमारे इस एयर ड्रॉप में। तो आप समझ सकते हैं कि जिसमें हमने सिर्फ $30 से हमने इस पार्टिसिपेशन लोगों से करवाया था, और ये टोकन इतना हिट हुआ था, इसके होल्डर भी इंक्रीज हो गए थे और इसकी वैल्यू भी काफी बढ़ गई थी। तो उसमें हमारे जो इकोसिस्टम में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, वो है मैंगो वॉलेट। मैंगो वॉलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप गूगल प्ले स्टोर पे है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
ये सब कुछ पिक्चर्स है, चूंकि ये मैं लैपटॉप से शो कर रहा हूँ तो इसमें शो नहीं हो पाएगा, तो आपको मैं पिक्चर दिखा सकता हूँ। ये हमारा थीम है जिसपे हमारा मैंगो वॉलेट रन करता है। आप जब इसको इंस्टॉल करेंगे मैंगो वॉलेट डाल करके एंड्रॉयड एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर, तो ये आपको पेज ओपन हो गया आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जो ट्रस्ट वॉलेट पर अवेलेबल नहीं है, ताकि आप ज़्यादा इसको फील फ्री होकर के यूज़ कर सकें। ठीक है, ये आपने जब अभी जो भी आपका रिकवरी कोड आएगा, जो भी आपका सीक्रेट कोड आएगा, जिसको आप उसको सेव कर लेंगे, तो वहां पर ये ऑप्शन डालने हैं आपको, और ऑप्शन डालते ही आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर आपका ये यूज हो जाएगा, आप इसको क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये ऑप्शंस हैं, इसको आप जाके देख सकते हैं। तो ये मैंगो वॉलेट आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने पर आपको MIT टोकन भी मिलेंगे, और अगर इसके पास आपका एक रेफर कोड आएगा, रेफर कोड आपके पास आएगा जो उसको शेयर करेंगे, तो आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कि MIT को बिना बाय किए हुए ज्यादा ज्यादा आपको ज्यादा होल्ड करना है या परचेज करना है, तो बिना पैसा लगाए, तो आप ट्रांसफर करके इसको रेफर करके आप मार्केट से पैसा ले टोकन ले सकते हैं, और वहां से इसकी अच्छी वैल्यू बनेगी, और आगे चलकर जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो आप इसको सेल आउट सोल्ड आउट कर सकते हैं, या चाहे तो इसको स्टेकिंग पे लगा करके आप इसको प्रमोट कर सकते हैं और इसको और ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने इकोसिस्टम का पार्ट था। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा अपने मैंगो ट्री पे, जो हम लोग वेब थ्री की बात कर रहे हैं। वेब थ्री के पर पोर्शन पर आप जाके देख सकते हैं, इसकी साइट देखिए mangotree.ai, और ये साइट पूरी रिएक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। आप इस पे आप जाएंगे अपने माउस को, जब आप इसके होम पेज पर जब इसको कर्सर को मूव करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा एक इंटरफेस दिखाई देगा, एक अच्छा एंजॉयमेंट आपको होगा कि इंटरफेस पर आप इसको देख सकते हैं। जब भी अपने माउस को या उंगली को उस पर आप उंगली को उस पर आप स्क्रॉल करेंगे, तो ये पूरा एक अलग डिफरेंट तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो करेगा। तो काफी लोगों ने, आप लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हो गए होंगे। आज जो लोग पहली बार मीटिंग में आ रहे हैं, उनको उनके लिए mangotree.ai हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर साइनअप और साइन इन दो ऑप्शन है। आप साइनअप पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर एक स्पॉन्सर कोड आएगा, स्पॉन्सर कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। विदाउट स्पॉन्सर कोड आपको यहाँ पर नहीं जाएगा, तो आपके पास आपको जिसने भी मीटिंग में बुलाया हुआ है, आप उनसे अपना उनका रेफर लिंक या रेफर उनका जो एक जनरेशन पॉइंट है वहां से उसको डिमांड करिए, वो आपको देंगे। उसको जब क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर वॉलेट एड्रेस में आपको अपना ट्रस्ट वॉलेट का MIT का रिसीव एड्रेस डालना है, और जो BP20 का आप वहां पर होगा तो उसको डाल सकते हैं। ये पूरा अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और फिर आपको यहाँ पर फिर आपको ऑप्शन आएगा साइन इन करने का। ठीक है, मैं आपको साइन इन पेज दिखा देता हूँ कि हमारा साइन इन पेज कैसा ओपन होकर आएगा। तो ये हमारा यूजर नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना है। आप जब लॉग इन करेंगे, जो ईमेल आईडी आप डालेंगे उसमें आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को जब आप लॉग इन पेज पर आप उसको एंटर करेंगे वेरीफाई करने के लिए, तब आपका ये साइन इन पेज आपको ओपन होगा। यानी कि आपका जो भी आप ईमेल डालेंगे उसको OTP आएगा, तो इसका मतलब आपका ईमेल का OTP डालने के बाद ही वो लॉगिन होगा, तो आपका ईमेल करेक्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। तो बाद में आपको प्रॉब्लम ईमेल चेंज करने का नहीं होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी वो आपके ईमेल पर उसका कोड आया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं इसकी स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया अपने इको सिस्टम के बारे में, जो हम जिस इको सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट हमारे इको सिस्टम सब लाइव है, आप इसको देख सकते हैं।